अनोखी, वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां छात्रा से हुई छेड़खानी और उसे मौत के मुंह में पहुंचाने वाले आरोपियों का पुलिस ने किया एनकाउंटर। कहां बारिश के कहर के बीच फंसी गर्भवती महिला के रेस्क्यू के लिए मंगाया गया हेलीकॉप्टर और कहां 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 3 बैंक कर्मचारियों सहित 4 की मौत। शुरुआत करते हैं यूपी से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां पुलिस की छात्रा से छेड़खानी करने वाले मनचलों से मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर के बाद आरोपी पकड़े गए। ये यूपी के अंबेडकर नगर के वही मनचले हैं जिनकी करतूत से परेशान इंटरमीडिएट की छात्रा की मौत हो गई। उस समय तो हवा की रफ्तार से बाइक चला रहे थे, अब जरा इनकी चाल देखिए। दरअसल बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की बंदूक छीनने की कोशिश की और फायरिंग भी की। इसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई में उन्हें गोली मार दी। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शहबाज और फैजल के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरे आरोपी का भागते वक्त गिरने से पैर टूट गया है। दरअसल शुक्रवार यानी 15 सितंबर को स्कूल से लौटते वक्त कुछ युवकों ने छात्रा से छेड़खानी की थी और उसका दुपट्टा खींच लिया था। इससे छात्रा साइकिल से सड़क पर गिर गई और गाड़ी से टक्कर के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से छात्रा के माता पिता सदमे में हैं। मृतक लड़की के पिता ने बताया, उनकी बेटी बायोलॉजी की छात्र थी, पढ़ाई में बेहद अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। पिता सभाजीत वर्मा ने बताया कि मौखिक तौर पर पुलिस वालों से एक हफ्ते पहले इन मनचलों की हरकतों को लेकर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। अगर उस वक्त कार्रवाई हुई होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश ने एमपी के कई शहरों, गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीरें उज्जैन के वडनगर की हैं, जहां पर फंसी एक गर्भवती महिला और 2 अन्य लोगों को निकालने के लिए उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने हेलीकॉप्टर की मदद ली। सेना के हेलीकॉप्टर को नागपुर से बुलाया गया और सकुशल सभी को रेस्क्यू किया गया। एमपी के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिससे वड़नगर के समीप स्थित चंबल और चामला नदी के किनारे पर बसे गांव डूब रहे हैं। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम ग्रामीणों की मदद के लिए जुटी हुई है। तीसरी हैरान कर देने वाली खबर महाराष्ट्र के अमरावती से है, जहां अमरावती चिखलरा रोड पर भीषण कार हादसे में 3 बैंक अधिकारियों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदिलाबाद तेलंगाना के रहने वाले 8 युवक अर्टिगा गाड़ी में सवार होकर अमरावती के चिखलदरा जा रहे थे। रास्ता घुमावदार था और घना कोहरा छाया हुआ था। बताया जा रहा है कि इसी वजह से कार हादसे का शिकार हो गई। न्यूज़ तक ब्यूरो।